Very good morning guys and welcome back to my YouTube channel Wild Traveller Abhishek. Today's date is 6th Feb 2021 and हम लोग जा रहे हैं अलीबाग. तो guys आज होने वाली है कैंपिंग फिर से. एंड भंडारदरा में एक बार गया था मैं 1.5 साल पहले जिन दोस्तों के साथ, वही दोस्तों के साथ आज कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ. एंड कैंपिंग के लिए अभी तो न्यू प्लेस है क्योंकि 2 बार मैंने कैंपिंग की है, भंडारदरा में ही की है, बट अभी कैंपिंग की नई प्लेस पर जा रहा हूँ, वो है अलीबाग. तो अलीबाग जा रहे हैं हम लोग काशिद बीच के यहाँ पर. क्या बुक किया है क्या नहीं किया वो सब बाद में बताता हूँ. अभी बहुत लेट हुआ है, मुझे 6 बजे निकलना था बट अभी 7 बजने आए, बहुत लेट हुआ है, मुझे ही लेट हुआ एक्चुअली. अलार्म लगाया था 5 बजे का, अलार्म बजा ही नहीं या क्या हुआ पता नहीं, आई डोंट नो. भंडारदरा की कैंपिंग में हम लोग जितने लोग थे ऑलमोस्ट उतने ही है, खाली 1-2 जन कम रहेंगे. तो चलो निकलता हूँ अभी जल्दी क्योंकि दोस्त बहुत वेट कर रहे हैं कब से. अभी बाइक पर बैठ के आगे बात करते हैं, ठीक है. सो गाइज हम लोग अभी निकल पड़े हैं, बहुत लेट हो गया यार, 7 बज के गए मालूम. और ये लेट मेरे वजह से ही हुआ है, क्या करूँ यार, अलार्म तो लगाया था बजा ही नहीं टाइम पे, क्या सीन हुआ मुझे समझा ही नहीं. तो अभी ना हम लोग ज्यादा रुकेंगे नहीं और जल्दी जल्दी निकलेंगे क्योंकि लेट होने की वजह से थोड़ा अभी सीन हो गया, कहीं ज़्यादा स्टॉप्स ले नहीं सकते. और सामने सूरज देवता निकल गए हैं, मस्त सनराइज हो रहा है. वाओ, ये आरे में भी यार कुछ लोकेशन कम नहीं है, इतना बढ़िया लगता है यहाँ पे भी. हाँ सामने देखो यार क्या नजारा है गाइज, वाव, सनराइज हो रहा है मस्त हीरानंदानी के सब बिल्डिंग के बीच में से. एंड हम लोग अभी पवई में आ गए. हम लोग को ना थोड़ा स्लो चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ एक फ्रेंड जो है उसने ना गाइज स्कूटी लाया उसका, तो उसको ज़्यादा स्पीड वो रख नहीं सकता है, उसको स्पीड थोड़ा कम मेंटेन करना पड़ा क्योंकि वो अभी अभी नई स्कूटी ली है उसने एंड ज़्यादा चला ही नहीं है, तो वो थोड़ा इशू है. तो हम लोग को उसके साथ थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा स्पीड. और ऑलरेडी लेट हो चुका है पर ठीक है अभी मैनेज कर लेंगे यार, कुछ ऑप्शन नहीं है. सो गाइज़ वी आर नाउ इन द खारगर, खारगर तक पहुंच गए. और हमारा एक फ्रेंड है जिसको लास्ट हमें अभी पिकअप करना था खारगर में. एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि वो कार लेके आ रहा है क्योंकि बाइक से उसको अलाउड नहीं कर रहे घर वाले, तो वो कार लेके आ रहा है. कार में वो और उसका भाई रहेगा तो वो कार से आएंगे एंड हम लोग बाकी 3 हम लोग की 3 या 4 बाइक है, 3 बाइक है एंड 1 स्कूटी है. तो अभी उसको पिकअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर खारगर में आए थे. अभी निकलेंगे जल्दी क्योंकि लेट बहुत हो गया है. ये दोस्त ने अभी थोड़ा इडली लाया तो इडली खा लेते हैं क्योंकि भूख लगा है अभी सबको, आगे जाके पता नहीं कुछ खा लेंगे, डोंट नो, बट अभी टेम्पररी तो इडली खा रहे हैं. अभी गाइज टाइम हुआ है 9:20 एंड हम लोग को काफ़ी लेट हो गया है. देखते हैं अभी आगे हम लोग कितना कवर कर पाते हैं, बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मज़े करते जा रहे हैं एंड वी आर एन्जॉइंग आवर राइड. सो गाइज इडली खा के हो गई है एंड अभी सबसे मिला था हूँ एक बार. सो गाइस नाश्ता इधर ही हो गया, आगे जाके अभी कहाँ पे रुकेंगे नहीं हम लोग कहीं भी. इडली खा ली अच्छे से, फ्रेंड ने इडली लाई थी, पेट भर गया मस्त एकदम. एंड लेट हुआ है तो आगे कहीं नहीं रुकना है अभी. ये प्रफुल्ल है, ये अनीश भाई, रोहित, ये हमारा फ्रेंड है, यही कार से आ रहा है. तो क्या भाई बहुत बार कारना में कर चुका है तो फैमिली अलाउड नहीं कर रही है. उसका भाई है ये अश्विन एंड यहाँ पे पराग एंड शाहरुख भाई. भाई मुकरा तो दिखाओ, मुंह दिखाई, नाम लेना है बस, शाहरुख. ये अपना रोहित साहू. सो चलो अभी जल्दी निकलता हूँ, लेट हो गया ना, तो जल्दी जल्दी बाइक में बैठते हैं. कार में 1-2 जन बैठने वाले हैं जो स्कूटी लाया था फ्रेंड वो कार में बैठेगा एंड वो आराम से पीछे सो के आएगा क्योंकि उसने नाइट शिफ्ट की थी, तो वो सो जाएगा शायद पीछे कार में। तो चलो अभी बाइक पे ही मिलता हूँ, ठीक है, फटफट निकलते हैं यहाँ से एंड जितना हो सके डिस्टेंस कवर करते हैं। गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट मुंबई गोवा हाईवे पकड़ लिए हैं। 87 काशिद बीच है यहाँ से 87 किलोमीटर, जिसको और 1.5 घंटा तो लगेगा। तो अगर अभी 10 बजे हैं समझो तो 12 तो बजने वाले हैं, मतलब अंदाज़ा बराबर है मेरा। टाइम पे निकलते थे तो कुछ 11 तक पहुँच जाते थे। काशिद अभी यहाँ से 43 किलोमीटर है, तो 1 घंटा तो मिनिमम लगना ही है। पर अभी हम लोग ये थोड़ा घाट सेक्शन पे है। सो गाइज़ हम लोग हमारे स्पॉट पे, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और वीडियो नहीं किया मैंने बाद में क्योंकि थोड़ा रास्ता ढूंढ रहे थे। मेरे फ्रेंड का रेवदंडा में एक घर है तो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया हम लोग, तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। तो सोचा अभी डायरेक्ट प्लेस पे जब आते हैं तब रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसलिए अभी देखो ये प्लेस पर हूँ मैं, हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच गया हूँ। बाल बिल सब ख़राब हो गए भाई, हवा बहुत है यार यहाँ पर। एंड सच बताओ ना गाइज़, देखो यहाँ पे अभी सामने मेरे धूप है बट यहाँ पे अभी से ठंडी हवा चल रही है। रात में यहाँ पे बहुत ठंडी लगने वाली है क्योंकि आपको एक बार ये अभी उजाला है ठीक से, तो लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि ये ना पूरा सेंटर में है ये जो प्लेस है। ये लोग ने टेंट कैंपिंग जो भी रखा है ना, क्योंकि पूरा इसका जो है पहाड़ से सराउंडेड है एंड इसलिए यहाँ पे कोई भी एयर का डिस्टर्बेंस नहीं है। चारों बाजू से हवा आने वाली है और रात में बहुत ठंड लगने वाली, इतना तो श्योर है। तो आपको एक बार एरिया दिखा देता हूँ। ये तो ये यहाँ पे टेंट्स है, यहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स लगाए हैं, यहाँ पे भी थोड़े टेंट्स है एंड देन यहाँ पे ऊपर लाइट्स वगैरह है, यहाँ पे बैठने के लिए किया हुआ है अरेंजमेंट। एंड देन यहाँ पे गाइज हट्स जैसे रूम है, छोटे 2 रूम है, कॉटेजेस जैसे, वुडन कॉटेजेस। एंड देखो पीछे से पूरा ये पहाड़ी है, पहाड़ी से सराउंडेड है, पूरा ओपन प्लेस है। सो देखा आपने। सो गाइज कन्फर्म है यहाँ पे ठंडी बहुत लगेगी रात को। वैसे हम लोग ने स्वेटर्स वगैरह सब लाए हैं, अभी देखते हैं रात में एक्चुअली कितनी ठंड पड़ती है, कैसे क्या होता है। बट ठंड है तो मज़ा भी उतना आएगा, ठंड तो चाहिए अपने को, ठंड नहीं रहेगी तो कुछ मतलब नहीं है। सो ओवरऑल इट्स अ रियली गुड प्लेस। एंड आपको बता दूँ, मैंने बताई नहीं ये चीज़, ये जो है मेरी फ्रेंड है, ये जो पूरी प्लेस है ये जो बनाई है ये मेरी फ्रेंड की प्लेस है, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ पे। पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे, कहीं और जाने वाले थे बट मेरी फ्रेंड का ये था तो पहचान की थी फ्रेंड, तो मैंने इधर ही बुक कर लिया। लेट्स सी, अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, आप बिलीव नहीं करोगे 4 बज के गए शायद से एंड हम लोग ने अभी तक दोपहर का लंच नहीं किया है, तो बहुत टाइम पास हुआ एंड अभी बहुत भूख लगी है। तो अभी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग गाइज एंड नाउ वी आर ऑन द काशिद बीच। माई गॉड गाइज, तुम बिलीव नहीं करोगे, इतनी भीड़ है ना यहाँ पे। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब एक्सपेक्ट किया था बट उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है यार। मतलब क्या कोरोना वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। कोरोना कुछ नहीं रहा अभी, ऐसे लग रहा है इधर की भीड़ देख के। और सामने मस्त प्यारा सा सनसेट हो रहा है एंड लकीली हम लोग जल्दी निकले एंड टाइम पे आ गए सनसेट देखने काशिद बीच पे। हमारा जो कैंपिंग स्पॉट है वो काशिद बीच से 5 मिनट पे ही है, तो इसलिए हम लोग 5-10 मिनट में पहुंच गए यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी है, ये देखो मेरे पीछे। एंड गाइज आपको एक बार भीड़ दिखा दूँ, यहाँ पे कितनी भीड़ है देखो अभी मेरे पीछे। भीड़ के थोड़ा और क्लोज जाते हैं, आपको देखेंगे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट तो यही लग रहा है कि पूरी मुंबई यहाँ पे आई हुई है। क्या हमारा खाना भी थोड़ा लेट हुआ ना, तो हम लोग अभी हजम करने आए हैं। गाइड सच बोलूँ बहुत अच्छा लग रहा है एंड सनसेट देख के तो दिल खुश हो गया। जो भी थकान हो गई थी ट्रैवलिंग की सब कम हो गई। सच बोलूँ तो दोस्तों आफ्टर कोविड ऐसी भीड़ भाड़ देख के फिर से लाइफ एक बार ऑन ट्रैक आ रही है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली लोग मज़े कर रहे हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन थी, जो भी डिप्रेशन था, जो भी था वो लोग घर बैठ के कंटाल गए थे, वो लोग अभी यहाँ पे थोड़े आके फ्री हो रहे हैं। सो गाइस एक अच्छा सा सनसेट एक्सपीरियंस किया और अभी जा रहे हैं हम लोग हमारे कैंपिंग साइट पे, क्योंकि सनसेट देखना ज़रूरी था यहाँ पे आके। कल तो सनसेट मिलने वाला है नहीं, कल हमें चेकआउट करना है, तो इसीलिए सनसेट आज देख लिया। और बहुत खूबसूरत सनसेट था, भीड़ तो बहुत ही थी, वो तो दिखा ही मैंने आपको, बट ठीक है बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और शायद अभी कल का प्लान है ऐसा कि कल मॉर्निंग को जल्दी आएँगे यहाँ पर और थोड़ा इधर पानी में मस्ती करेंगे एंड फिर बाद में जाके जो भी ये पानी की रेत वगैरह बॉडी को लगेगी वो बाद में जाके अच्छे पानी से हम लोग नहाएंगे कैंपिंग स्पॉट पे हमारे। सो चलो अभी मैं जाता हूँ कैंपिंग स्पॉट पे, फिर बाद में रात में कुछ रहेगा तो दिखाता हूँ, बाद में मिलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज़ 7th Feb 2021 एंड मॉर्निंग होके अभी हम लोग काशिद बीच पे फिर से आए। अभी आज सुबह का जो प्लान था कि जैसे समंदर के पानी में थोड़े नहा लेंगे, तो उछल कूद करनी है थोड़ी सी, तो इसके लिए अभी हम लोग काशिद बीच आ गए सुबह उठ के। मैं सुबह 7 बजे उठ गया था, थोड़ा बर्ड वॉचिंग करने के लिए गया था गाँव में, तो उसके बाद सब लोग अभी उठे हैं और अभी हम लोग फटफट यहाँ पे काशिद बीच आ गए नहाने के लिए। इधर देखते थोड़ा टाइम मस्ती करते पानी में और उसके बाद फिर जाते नहाने को। अच्छे से साफ़ पानी से हमारे कैंपिंग स्पॉट पे जाके नहाएंगे। और अभी यहाँ पे पीछे जो स्टॉल दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग भुर्जी पाव खा रहे हैं। वैसे हमारा जो कैंपिंग स्पॉट है वहाँ पे भी नाश्ता है, बट क्या अभी यहाँ पे आके भूख लगी है सबको, तो यहाँ पे थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि उधर पता नहीं है क्या देंगे। उधर अगर पोहे वगैरह देंगे तो पता नहीं, सब लोग पोहे नहीं खाते, तो ऐसा भी एक सीन है। तो यहाँ पर अभी आके हम लोग भुर्जी पाव खा रहे हैं, बहुत भूख लगी है सबको अभी, तो खा लेते हैं और बाद में थोड़ा पानी में जाते हैं। गाइस अलीबाग में ना ये काशिद बीच जो है, आपको अगर पता होगा या नहीं पता होगा तो भी बता दूं, काशिद बीच जो है अलीबाग का सबसे फेमस बीच है। ये जो बीच है बहुत बड़ा है कंपेयर टू बाकी जो बीचेस है अलीबाग के। एंड सेकंड थिंग, थोड़ा साफ़ सुथरा बीच है एंड यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स है, तो इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। तो गाइस दिन ख़त्म हो गया, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे, चेकआउट हो गया अभी। एंड अभी दोपहर के बजे हैं 2 एंड हम लोग को चेकआउट करने तक, निकलने तक 2 बज गए। यहाँ पे बहुत लेट हो गया। बीच पे जो गए थे वो पानी में कूदी मार रहे थे, सब लोग ने वाटर स्पोर्ट का मज़ा लिया, मैंने नहीं किया, मुझे डर लगता है। तो वाटर स्पोर्ट किया सबने एंजॉय। एंड अभी नाश्ता वगैरह करके नहा धो के हम लोग अभी निकल रहे हैं फाइनली। 2 बजे हैं अभी दोपहर के, तो काफ़ी लेट हो गया है। पता नहीं अभी शाम को 7-8 बज सकते हैं, डिपेंड्स अभी कितना ट्रैफिक मिलती है, रास्ते कैसे रहते हैं। और हम लोग अभी मैक्स टू मैक्स रुके तो दोपहर को अभी टाइम तो हुआ है खाना खाने का, तो खाना खाने रुक जाएंगे शायद से। एंड गाइज़ ये जो जगह थी जहाँ पे हम लोग आए थे अच्छी जगह है, मतलब भंडारा में इससे ज़्यादा मज़ा आया था, बट ठीक है, ये भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे भी हम लोग ने बहुत मज़े किए। मेरी फ्रेंड की जगह है ये, तो इसलिए हम लोग आए थे, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि चलो मेरी फ्रेंड का खुद का बिज़नेस है तो एक बार आ जाते हैं, कैंपिंग का कैसा है क्या है, तो इसलिए हम लोग ने आ गए यहाँ पर। एंड अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो मैंने जगह तो आपको दिखाई दी है, मैं स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले करूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी उनको कॉल करके यहाँ पे आ सकते हो बुकिंग करके। एंड गाइज़ मैं आगे ब्लॉग तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा जो एक्शन कैमरा है हेलमेट का, वो जो माउंट रहता है वो माउंट निकल गया है, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा वैसे भी, तो घर जाके ही वीडियो एंड करता हूँ। तो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी बैठता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है, तो घर में पहुँचूँगा तब मिलते हैं। हे गाइस, फाइनली आई एम बैक टू होम एंड घर आके जल्दी से फ्रेश हो गया, बहुत थक गया हूँ, तो सोचा वीडियो एंड कर देता हूँ जल्दी यहाँ पे। और सच बोलूँ तो आगे कुछ भी कहने के लिए एनर्जी बची नहीं है, तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर करो अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करो यार चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज, डू सपोर्ट, ओके। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई ट्रिप में, नई जगह पर, नई वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर नेचर। गुड बाय।